गठबंधन में जितने भी है सारे चोर इकट्ठे है रहे हैं, पूरे इंडिया के चोर, और सब ये सोच रहे हैं किसी तरीका से ये घोटाले इनसे बचे। तो कांग्रेस आज इस स्तर पे है, अपने मिटने के उस पे है। कांग्रेस में कोई है ही ना, कांग्रेस खत्म है बिल्कुल। कांग्रेस की विचारधारा है हमेशा तोड़ो, तोड़ती रहती, तोड़ो और राज करो वाली विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा ही गलत है, हमेशा आतंकवाद, ये सनातन विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन का मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इन दिनों देश भर में सियासत शबाब पर है, हर युवा पर यही सवाल है कि आखिर 24 के चुनाव में किसका राज तिलक होगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और जनता के मुद्दों को समझने के लिए आज हम आए हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां और दोनों ही उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए आज यहां के मतदाताओं से और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इस बार का चुनावी मंजर कैसे रहने वाला है? इस बार का जो चुनावी मंजर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जो उसमें लीडरशिप है वो क्वालिटी दिखती है, और उन्हें काफ़ी अच्छे से ये आता है कि जो हमारी भीड़ है उन्हें मैनेज कैसे करनी है, और जो उनका कार्य रहा है वो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं, वो लोगों से मिलना, लोगों के साथ चाय पीना टपरी पे बैठ के, उनका ये जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अभी से लिख के हुए चल रहे हैं। उन्होंने अपना साफ मैनिफेस्टो में बोला है कि जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं हम पूरे जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो मेरे को लगता है नई दिल्ली में इस बार बीजेपी की गढ़ है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कौन से कार्य हैं जो आपको प्रभावित करते हैं और आपको बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं या उत्साहित करते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो हमारा विपक्ष है वो बार बार बोलता है जो बीजेपी सरकार है वो अमीरों की पार्टी है, लेकिन मैं इससे इनकार करता हूँ। क्योंकि मेरे पास मुद्दे हैं। अगर हमारे पास देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे गरीब घर के लोग होते थे उनके पास आवास नहीं होता था, अगर बारिश होती थी तो भीगते थे वो, प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें आवास दिया गया जिसमें 2,60,000 का उन्हें मुद्रा दी गई थी, और एक मुद्रा योजना हो गया कि जो हमारे यंग लोग थे, जैसे विकसित भारत चलाया गया है कि हमारे पास आइडिया होता था लेकिन हम पैसे के बिना नहीं कर पाते थे, तो मुद्रा योजना के तहत हमें लोन दिया जाता है और हम अपने आइडिया को विकसित करते हैं, साथ साथ अपने आप को, साथ साथ इकोनॉमी को भी। तो एक उज्ज्वला योजना हो गई जिसमें जो हमारे महिलाएँ होती थी, जब बारिश का समय आता था तो लकड़ियाँ नहीं बीन पाती थी, लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, उस टाइम उतना बेहतर खाना नहीं बन पाता था, उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योजना के थ्रू हमें गैस मिलती है और दिवाली होली के तहत हमें फ्री भी वो मिली थी, तो मैं इसीलिए बीजेपी के पक्ष में हूँ। एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है जातिगत, अगर वो सत्ता में आती है तो जाति आधारित जनगणना करवाएगी, तो एक तरफ जाति में बांटने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ देश को सर्व एक स्थान पे ले आना है। अभी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है, 2027 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 3रे नंबर पे आ जाए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने बोला कि जो कांग्रेस चाहती है कि मतलब जातिवाद के नाम पर बांटा जाए, तो ये भारत है और भारत सेकुलर देश है, हम राष्ट्रवाद को सर्वोपरि लेके चलते हैं। अगर जो राष्ट्रवाद के खिलाफ गया है वो मिट गया है, तो कांग्रेस आज इस स्तर पे है, अपने मिटने के उस पे है, और जब जब वो जातिवाद करेगी तब तब हम जैसे युवा लड़के राष्ट्रवाद से जोड़ के उन्हें तोड़ देंगे। अभी केरल में मुस्लिम लीग का समर्थन ले रही है कांग्रेस पार्टी, वही मुस्लिम लीग जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सर्वप्रथम मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हमेशा चलती है, और भारतीय कांग्रेस का तो बुरा हाल है, कांग्रेस को कौन नहीं जानता, कांग्रेस हमेशा से ही उसका यही रहा है कि वो विभाजन की ही बात को लेकर चलती है। कांग्रेस अगर इतनी ही समझदार होती, अगर कांग्रेस को देश के बारे में, लोगों के बारे में सोचना होता, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग का कभी समर्थन ही नहीं करती, और नेहरू खुद सपोर्ट करते थे मुस्लिम लीग को, बैठते थे। 370 जैसी विचारधारा, 370 जैसे लॉ लाना, इनको पारित करना, इतने दिन तक देश में यही लागू रहा, लोग वहाँ पे जो पीड़ित हुए, हिंदू समाज तो बहुत पीड़ित रहा वहाँ पे, हिंदू ही समाज नहीं, सभी समाज को पीड़ित किया गया वहाँ पे। आज भारतीय जनता पार्टी आके उस चीज़ को राष्ट्रवाद की भावना फैलाई है, और आज हर युवा इस राष्ट्रवाद की भावना को लेकर ऊपर जाना चाहता है। इस बार क्या लगता है नई दिल्ली लोकसभा सीट से किसकी तरफ
ज़्यादा लोगों का झुकाव है, किसकी जीत होने वाली है? सोचने की बात ही नहीं है, जय श्री बात है, आपकी बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है। और यहाँ पर नई दिल्ली, ये सोचा जाता है कांग्रेस की ये विचारधारा है कि वो मुस्लिम वोट ज़्यादा पाएगी, वो मुस्लिम की ओर भाग रही। हमारा मुस्लिम भाई भी ये चीज़ समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है, जातिवाद को लेकर नहीं चलती है। और धर्म धार्मिक जो जितनी गतिविधियाँ हैं, धार्मिक गतिविधियाँ जो है, धार्मिक रूप से बांट कर अगर कांग्रेस सोचती है राज करना तो कभी नहीं आ पाएगी। हमारे मुस्लिम भाई भी एक हैं, हम भी हिंदू भाई भी एक हैं, सारा समाज एक है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हमेशा रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा जो लेकर चल रही है, राष्ट्रवाद की भावना के साथ हम उनसे जुड़े रहेंगे। एक सवाल आपसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि केरल में PFI जिस पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा है और सरकार ने उस पर बैन भी लगा रखा है, उसकी राजनीतिक शाखा है SDPI, उसका भी समर्थन कांग्रेस ले रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जाएगी हाथ धोएगे बिल्कुल। कांग्रेस को नॉमिनेशन यही ऊपर तो मिट रो है, जो हर वक्त की जो आतंकवाद को साथ देती है और जो राष्ट्रवाद का देती नहीं है। वो उन लोगों का भी साथ ले रहे हैं जो कि सनातन और हिंदू धर्म को खुलेआम मन से डेंगू मलेरिया बताते हैं और गाली देते हैं, सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनका वो सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, क्या लगता है आपको इससे उनको सफलता? बीजेपी 400 तो पैर जाएगी ही नहीं बात अंते, कांग्रेस में कोई है ही ना, कांग्रेस खत्म है बिल्कुल इस यह विचारधारा आते। अभी तक जो बीजेपी ने कार्य किया है किससे, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है बीजेपी, जब ही तो 400 पार जाएगी, जब ही तो ये कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस की विचारधारा ही गलत है, हमेशा आतंकवाद को साथ दियो, अब 370 हटाने को है दे रही, राम मंदिर को दे रही, कुछ भी नहीं किया, क्या किया है इसने कांग्रेस ने? कांग्रेस के सारे बीजन बोबे हुए हैं जिनने जो बीजेपी धो रही है इनके पापों को, ये 370 क्यों लगती, ये सारी नेहरू की है इनकी, कांग्रेस की तो देन है। कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो जो 370 धारा पे संशोधन किया गया है, सरकार ने किया है, उसको पहले जैसे फिर कर देगी। कांग्रेस आएगी नहीं इन बात अंत बिल्कुल, जीवन में भी सपने भी नहीं देखेगी आने की तो जानता हूँ। मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है? बिल्कुल अस्तित्व खत्म है कांग्रेस का, इन बात अंत जिन बात कांग्रेस कर रही है, हिंदू पर राज कर रही, उसी दिन तेरे हिंदू की कटती कर रही है, तो काय बात आ जाएगी कांग्रेस? मतलब इस लोकसभा सीट के अलावा भी इसमें तो बीजेपी जीतेगी ही, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी 400 पार जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 400 पार जाएगी केंद्र में, बीजेपी बनेगी। CA का भी विरोध भी कर रही है कांग्रेस, तो CA जैसे बिल का भी विरोध करी है जो जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने किया, अब इसमें विरोध करने की क्या बात है? आप ही बताइए, आप सभी लोग इतना परिचित हैं कि बोल रहे हैं कि मुस्लिम के लिए ये अलग है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये पहले बताइए कि जहाँ जहाँ से बुलाया गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफवाह फैला रहे हैं मुस्लिमों के लिए बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए विश्व में मुस्लिम कंट्री हैं 57, तो अगर जिनको ऐसा लगता है वो वहाँ जाएं, ठीक है, बाकी जो प्रताड़ित हैं अल्पसंख्यक उसमें जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, उनको भी तो शामिल किया गया है, उनको भी तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही मेरा कहने का मतलब है कि जो ये तीनों कंट्रीज पड़ती हैं, ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो दमित समूह है ये हिंदू, जैन, पारसी, यही समूह बैठ रहा है। अब आप खुद बताइए, जिस कंट्री में मुस्लिम दबदबा ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम तो सुरक्षित रहेगा ही, वहाँ दमित वही हुए ना जो दबाए जा रहे हैं, हिंदू समाज हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया। तो इस बिल में सामान्य सी बात है, ये बिल उन्हीं के लिए रखा गया जो दमित हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भारत से मुस्लिम को भेज रहे हैं बाहर जाओ। नहीं, नहीं, भारत के मुस्लिमों को वही सब सुविधाएं मिल रही हैं जो कि हिंदू या बाकी धर्म के लोग, वही सब सुविधा मिल रही है। वही हमारा कहने का मतलब है कि हमारा मुस्लिम समाज कोई ये नहीं कह रहा है कि आप हमें परेशानी इससे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा है हमेशा तोड़ो, तोड़ती रहते, तोड़ो और राज करो वाली विचारधारा, ये अंग्रेजों वाली विचारधारा लेके चलते हैं, इनकी विचारधारा कभी समाप्त नहीं होने वाली। और अब जनता, भारत की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है, अब जान चुकी है कांग्रेस की विचारधारा कितनी गलत है। और CA जैसा कानून को अगर ये गलत बता रहे हैं तो ये अनपढ़ लोगों की वो है भावना है, और इसको इसी पे इसी चीज को देखते हुए भारतीय जो जनता है, भारत की जनता है, वो बीजेपी को हमेशा समर्थित करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने की लक्ष्य को जो सोच रखा है उससे भी ज्यादा जाएगी, ये हमारा उम्मीद है। हमारे साथ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी बीजेपी में आए हैं कांग्रेस से गौरव वल्लभ, आप उनको जानते होंगे, देखा होगा TV में भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म की वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्हें नहीं शामिल किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सनातन विरोधी है?
हाँ, कांग्रेस बिल्कुल सनातन विरोधी है। जैसा कि अभी राम मंदिर का मुद्दा आया था, उस पर भी कांग्रेस ने सनातन विरोधी करा। कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया राम मंदिर के अवसर पर, लेकिन इन्हें राम मंदिर के अवसर पर बुलाया जाना उचित नहीं है। बुलाया गया है लेकिन ये एक राजनीति का मंचन बनाने के लिए कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, पूरे देश के हित के लिए हो रहा है, देश हमारा सर्वोपरि है, तो इन्हें खुद जाना चाहिए, चाहे बुलाया जाए चाहे नहीं बुलाया जाए। लेकिन इन्हें बुलाया गया था तब भी नहीं गए हैं, और ये सनातन विरोधी हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट में किसकी तरफ लग रहा है जनता, किसकी तरफ जनता का झुकाव है, कौन जीतेगा इस सीट से? दिल्ली लोकसभा सीट में 7 सीटें हैं कुल, और यहां पर बीजेपी का दबदबा बनता जा रहा है धीरे धीरे। यहां पर केजरीवाल सरकार ईडी के हाथ में जाकर भी हाई कोर्ट तक फैसला नहीं माना गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बारी है। यहाँ पर छात्र पढ़ने आता है, लेकिन यहाँ पर छात्र पढ़ने के बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय के बगल बगल में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। देखा जाए हर 200 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका मिल जाएगा। शराब के ठेके से देश का विकास होगा या गिरेगा? शिक्षा पर बल देना चाहिए, जो कि रोड पर किताबें बिकती हैं उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा शराब के ठेके खोले जा रहे हैं हर 200 मीटर की दूरी पर। जिसे नहीं पीना चाहिए वो भी 16 साल की उम्र का बच्चा पी रहा है, लेकिन वो 18 साल की उम्र के बच्चों को कहते हैं शराब देना चाहिए, लेकिन ना आधार कार्ड देखते हैं ना कुछ देखते हैं, सबको शराब दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है कि पूछो मत। ईडी सरकार के पास गई और हाई कोर्ट तक बात गई, वहाँ भी इन्हें अस्वीकार कर दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट में बात जा रही है। खराब अभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस समेत एक इंडी गठबंधन बना है, जिनका मेन मुद्दा है कि बीजेपी को मोदी को हरा करके केंद्र की सत्ता में काबिज होना है। क्या सफल हो पाएंगे? मोदी सरकार को हराना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये देश विरोधी की बात करने लग जाते हैं। यहाँ मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और सबको समेट के रखना चाहते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे कहीं से भी आए, चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का। मोदी सरकार कभी जातिगत विरोध नहीं करते हैं, ना मुस्लिम पक्ष में बोलते हैं। मोदी सरकार सोचते हैं कि हमारा 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबको एक साथ लेकर चलना है, और सबको एक साथ लेकर चलने की भावना रखते हैं। एनडीए गठबंधन में जितने भी है सारे चोर इकट्ठे है रहे, पूरे इंडिया के चोर, और सब ये सोच रहे हैं किसी तरीका से ये घोटाले इनसे बचें, लेकिन इनके घोटाले बचेंगे नहीं, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। क्या लगता है इस बार नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? इस बार कंफर्म जीत बीजेपी की है, क्योंकि कोई टक्कर में ही नहीं है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये गठबंधन में सोमनाथ भारती को भी तो मैदान में उतारा है, और उनका दावा है कि वो भी उन्हीं की पार्टी जीत रहा है, उन्हीं का प्रत्याशी जीत रहा है। पिछले 10 सालों से जितने 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें दोनों बार ही बीजेपी जीती है, और इस बार ही बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन है उसका कोई नामो निशान नहीं है। मेरे हिसाब से जो अभी तत्कालीन मांगे हैं, जो तत्कालीन मुद्दे हैं जिन पे अभी कांग्रेस काम कर रही है, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस उस पे काम करेगी तो ये चुनाव कांग्रेस की ओर झुका हुआ है, एक तरफा झुका हुआ है। कैसे झुका होगा? कांग्रेस तो मुस्लिम लीग का समर्थन ले रही है, मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, आपको लगता है कि ये सही है? जी देखिए, बिल्कुल सही है। जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सपोर्ट ले सकती है, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग का सपोर्ट क्यों नहीं ले सकती है? गलत बात है। मेरी बात सुनिए, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस की वजह से कौन सा विभाजन हुआ है बताना जरा। देखिए, आरएसएस की वजह से विभाजन नहीं हुआ, आरएसएस साक्षी है कि मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बना। आरएसएस का जो आप उसकी बताइए, मुस्लिम लीग का सपोर्ट सही है गलत? बिल्कुल सही है। किस बात के सही है? क्यों नहीं? देखिए, अगर देश में कोई भी माइनॉरिटी है, अगर उसका सपोर्ट विपक्ष, अरे भाई नहीं, मेरी बात हो गया। आपने पिछले 20 मिनट से आतंकी गतिविधियों का उस पे आरोप लगाया, आपने पिछले 20 मिनट से राम मंदिर पे बात किया, सीएए पे बात किया, आप तो कभी भी शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, आप कभी भी महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस आतंकियों का सपोर्ट लेगी? आतंकियों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं ले रही है कांग्रेस। आतंकी कैसे? जब मुस्लिम पीएफआई क्या है? अरे पीएफआई क्या है? पीएफआई क्या? जब भारत के पीएफआई क्या है? जब भारत के किसान बैठे थे तो आपने तो उनको भी आतंकवादी कह दिया। किसने आपने कहा था? मीडिया ने कही थी। दिखाओ प्रूफ, दिखाओ। आपके पास तर्क कुछ नहीं है, सिर्फ वो है। सब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, ऐसी देख के ऐसी बातें करेंगे? रियल टॉपिक इनके पास नहीं है।
महिला सशक्तिकरण इतना आज देश में बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस सरकार है वो आतंकवादी विरोधी नहीं है, तो मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ थी। क्या था कि क्या अब कश्मीर में दो झंडे होंगे भारत के? कांग्रेस ये चाहती ना कश्मीर में दो झंडे होंगे। इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये चाहते हैं कि भारत में दो झंडे होंगे, इंडिया के सिवा भी दो झंडे होंगे? कि कांग्रेस आनी चाहिए। मैं बताता हूँ कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए। आज तक 10 साल सरकार हो गई बीजेपी की, एक भी मंत्रिमंडल घोटाला सामने आए हैं? यूपीए की सरकार में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे तमाम घोटाले सामने आए, जिससे अपने देश की जीडीपी इतना आघात हुआ कि देश आज उभरने में 10 साल लग गया उससे उभरने में। देश में स्थिति इतनी खराब हो गई थी 2G घोटाले में, जितने भी इनके ऊपर लेवल के अधिकारी थे उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और 1,65,000 करोड़ रुपये का इन्होंने देश को नुकसान पहुँचाया। इससे उभरने में देश को कितना क्षति पहुँचा। ये भुखमरी की बात करते हैं आज, भुखमरी उस समय 1,65,000 करोड़ से कितने लोगों को पेट भर सकता था पता है आपको? देश की लगभग 1/3 आबादी का पेट भर सकता था उससे। पूरे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। अब ये भुखमरी की भी इनको दर्द, इसी बात का दर्द है, हजम तो इसी बात का ही है। ये हजम नहीं हो रही भारत की, बिल्कुल हजम नहीं हो रही इनको। इनको ये चाहिए कि फूट डालो, राज करो, जाति गणना कराओ, देश आगे बढ़ रहा वो नहीं दिख रहा इनको। इनको ये चाहिए कि हमें बस देश को बांट दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और राज करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी मंजर कैसा होने वाला है? बहुत बीजेपी के पक्ष में ही रहने वाला है इस बार चुनावी मंजर, मुझे ऐसा लगता है। नई दिल्ली लोकसभा में बीजेपी जीत रही है इस बार। और रही बात मोदी सरकार की, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो स्टार्टअप इंडिया लाई है मोदी सरकार वो बहुत अच्छा वो है, उससे हम स्टार्टअप नए नए स्टार्टअप करेंगे, जो युवा है वही सीखेगा और वो नए नए स्टार्टअप करेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जैसे स्किल इंडिया, एक स्किल इंडिया स्कीम भी लाई गई है मोदी सरकार द्वारा, जो बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें हर वर्ग के बच्चों को, गरीब हो अमीर हो, सबको एक स्किल सिखाई जा रही है जिससे वो कंपेटेबल हो सके एक जॉब पाने के लिए। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई थी कुछ सालों में, स्किल्स में ऐसा तो नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम के लिए अलग अलग नियम हो, जो लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर रोते हैं या खुद को हितैषी बताते हैं उनके लिए क्या जवाब देंगे? इन स्किल्स, ये जो प्रोग्राम स्कीम्स लाई गई, कोई भी योजना हो धर्म के आधार पर नहीं, सबको समानता के आधार पर मान के रखी गई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, वो योजना सरकार ने सभी के लिए बनाई है। और इसीलिए मैं बीजेपी सरकार का सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये योजनाएं सभी के लिए बनाई हैं। फिलहाल नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लोगों से बात करने के बाद यह बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। अभी जो युवाओं का और यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि तो उनका फुल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। फिलहाल वास्तविक नतीजा क्या होगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल जन के मन में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।